हेलो दोस्तों, आपका एक्स वाई ग्रुप डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा परसेंटेज, इससे पहले मैं चार पांच वीडियो बना चुका हूं, उससे आगे चल रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक शहर की जनसंख्या 6000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी हमारे पास, जनसंख्या हमारे पास 6000। अब क्या होता है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में 5% और 9% की वृद्धि हो जाती है। पुरुष और महिला, पुरुष और महिला की संख्याओं में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5 और 9% की वृद्धि हो जाती है, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। पहले शहर की जनसंख्या 6000 थी और अब कितनी हो गई, 6500 हो गई। कितने परसेंट बढ़ी हमारे पास, 500। अगर मैं 500 का कितना परसेंटेज है, एक शहर की जनसंख्या पहले 6000 थी अब हो गई 6500 हो गई, तो कितना बढ़ा, 500 बढ़ा। अब 500 6000 का कितना परसेंट है, 500 6000 का कितना परसेंटेज है, 2 जीरो बढ़ गई हमारे पास, 0 से 0 बढ़ गई, 6 से 100 काटेंगे कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2500। तो ये 500 है ना, इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा ना, तो 25/3 आ जाएगा, इतना परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, पुरुष की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है और महिला की कितनी होती है, 9%, और दोनों की में कितना हो रहा, 25/3%। इसको लिखूंगा मैं बीच में 25/3। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से इसको हटाएंगे, तो इस 3 को हटाने के लिए 3 की गुणा मैंने यहां पर करी, 3 की गुणा यहां करी और 3 की गुणा यहां पर करी। ठीक है, इस 3 को हटाने के लिए इसमें 3 की गुणा कर दी मैंने, उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 3 15, 9 3 27, और ये 3 का गया, तो इसमें से इसको घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 10 माइनस, और इसको इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा, -2। जो ये अनुपात आएगा वो पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये आ गया पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। तो 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6000। 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1000, तो 1000 की गुणा इसमें करेंगे, 1000 की गुणा इसमें करेंगे, तो पुरुष कितने थे हमारे पास, 1000, और महिला कितनी थी हमारे पास, 5000। ये आपका आंसर हो गया, ये तो आपका एलिगेशन हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो, मतलब एलिगेशन वाले से। अब मैं इसको दूसरे टाइप से कराता हूं क्वेश्चन को, उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 6000 है, कितनी है, 6000। शुरुआत में जिस शहर की जनसंख्या थी 6000, और एक वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाती है 6500, कितनी हो जाती है, 6500। अब कह रहा है पुरुष एंड महिला, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, अब इसमें 5% वृद्धि है और इसमें कह रहा है 9% वृद्धि है। अब देखो भाई, इस 9% को मैं क्या लिख सकता हूं, 5+4 लिख सकता हूं कि नहीं, तो इसमें ये 5% और ये 5% एक जैसा आ गया कि नहीं, बताओ। तो मैं 6000 का अगर मैं 5% निकालता हूं तो यही तो आएगा 300। शहर की जनसंख्या पहले थी 6000, वो भी 6500, कितना बढ़ा, 500, और यहां पर कितना बढ़ रहा है, 300। तो इस 500 में से अगर मैं 300 को माइनस कर देता हूं तो 200 आ जाएगा। अब 200 फालतू किसका आ रहा है, यहां पर 200 आ रहा है हमारा 4 का, तो 4% की वैल्यू 200 के बराबर है, जो यहां पर फालतू आ रहा है वो जो एक्स्ट्रा था उसके बराबर होगा, तो 4% की वैल्यू 200 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50। हमेशा कोई भी चीज 100% होता है कि नहीं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000।
अब मैंने जो 4% लिया था, जो पुरुष का लिया क्या महिला का लिया था, मैंने लिया था महिला का, तो ये हमारे पास ये 5 है किसी जनसंख्या महिला की, तो महिला 5 आ रही, तो बचे बचे कौन रहेंगे, पुरुष। पुरुष कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1,000, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास, 6,000। 6,000 में 5,000 महिलाएं और 1,000 पुरुष हैं। अब देखो भाई उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, प्रत्येक वर्ष पुरुष और महिला, प्रत्येक वर्ष पुरुष और महिला की संख्या में 12% और 9% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने कहा था 12% को हम 9+ के 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 12% को क्यों लिखा, क्योंकि इस 9% और 9% एक जैसे हो जाएंगे। उसके बाद अब एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 1,32,750 हो जाती है, एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 1,32,750 हो जाती है, तो कितना बड़ा हमारे पास बढ़ गई, 12,750 बढ़ी कि नहीं एक साल एक वर्ष में। अगर यहां पर 9% यहां पर आ रहा है, 9% यहां पर आ रहा है, तो 9% दोनों में समान है, तो हम क्या करेंगे 1,20,000 का 9% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 × 9 = 108, तो 10,800 आ गया हमारे पास, इसको 10,800 घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 0,5 और ये बचेगा हमारे पास 9,1। अब ये कितना फालतू है, 1950 फालतू है, और 1950 किसके बराबर होगा, 3% के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर क्या फालतू, 3 ही तो बराबर फालतू है, तो 3% बराबर 1950 है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 3 की मैं डिवाइड करूंगा, 3 × 18 बचेगा 1, 3 × 5 = 15, 0, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 650, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 65,000, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 65,000, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी हमारे पास 65,000 और महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जब टोटल जनसंख्या 1,20,000 है तो पुरुष हमारे पास 65,000 है तो महिला हमारे पास होंगी 55,000। तो पहला क्वेश्चन पूछा था प्रारंभ में पुरुष और महिला की जनसंख्या क्या थी, प्रारंभ में पुरुष और महिला की जनसंख्या क्या थी, पुरुष की जनसंख्या 65,000 और महिला की जनसंख्या 55,000। अब पूछा है इसमें क्या अंतर है, मतलब इन दोनों में अंतर कितना था, 10,000 का, ये आपका आंसर, ये तीनों आपके आंसर हुए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक विद्यार्थी जब 25% अंक प्राप्त करता है, क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी जब 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है, जब कोई विद्यार्थी 25% अंक आते हैं उसके और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैं इसको अरे लिखूं माइनस के 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वह विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त करता, कितने परसेंट, 55% अंक प्राप्त करता, तो वो 240 अधिक अंकों से पास होता, तो प्लस के 240, ठीक है। देखो भाई इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, इसका और इसका अंतर लेंगे, इसका और इसका अंतर क्या होगा, 30%, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जब मैं 240 में से माइनस के 210 घटाऊंगा, 240 से माइनस माइनस के 210 घटाऊंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये 30% की वैल्यू 450% के बराबर, 450 के बराबर है, 30% की वैल्यू 450 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 का मैं डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो क्या आ गया हमारे पास 15 बार, मतलब 1% 15 अंक के बराबर है, 1% 15 अंक के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, 15 का देखो, जब कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल होता है, तो 210 अंक को मैं परसेंटेज बदलता हूं, तो मैं इसमें 15 का डिवाइड कर दूंगा, तो 15 का डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15 कितने बचेंगे, 6 15 चौका 60, तो 210 अंक 14% के बराबर है, 210 अंक 14% के बराबर है। अगर वह विद्यार्थी 14% अंकों लिया था तो वह पास नहीं हो जाता, तो वह पास नहीं हो जाता, तो ये हो जाएगा 25 प्लस के 14 इजिकल टू 39%, यह उत्तीर्ण। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे 14 क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, कोई विद्यार्थी है वह 40% अंक प्राप्त करता है और वह 55% अंकों से फेल हो जाता है, फेल का मतलब माइनस, फेल का मतलब माइनस, ठीक है। यदि वही मतलब यदि दूसरा विद्यार्थी 81% अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से पास हो जाता है, पास का मतलब प्लस, मैंने हवाला बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, तो 81 में से अगर 40 को माइनस करता हूं तो 35 आएगा, 81 में से 40 को माइनस करता हूं कितना आएगा 35, और ये बड़ा है ये बड़ा है, इसमें बड़ा है ये वाला, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूंगा और जो संख्या है माइनस के 55, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और 55 और 15 कितने हो जाएंगे 70, तो ये 35% 70 अंक के बराबर है, 35% 70 अंक के बराबर है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास 2 अंक हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 2 अंक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लेके आता है और वो 55 अंकों से फेल हो जाता है, अब वो इसको 55 अंकों को मैं अगर परसेंटेज में बदल दूं तो 55/2 लिखूंगा, तो इसमें इसके डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 27.5, तो 55 अंक का परसेंटेज होता है 27.5, वो पहले कितने अंक लेके आया था, वो 40% अंक लेके आया था, और यहां पर कितने अंकों से फेल हो गया 55%, मतलब 27.5 अंकों से परसेंट अंकों से फेल हो गया, अगर ये भी अंक आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं, तो 40 में अगर मैं 27.5 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5, 7, 7 और 6, 13, 8, 73%, तो ये है उत्तीर्ण परसेंटेज, ये आपका आंसर। ये पूछा उत्तीर्ण परसेंटेज है, अब उसने पूछ रहा है उत्तीर्ण अंक क्या है, उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है ना कि उत्तीर्ण परसेंटेज, जब 1% की वैल्यू 2 अंक है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 200 अंक का पूर्णांक था, अब 200 में से उसे 73.5% अंक लेके आता वो पास हो जाता, इसका मतलब यही होगा, तो 200 गुणा 73.5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास, 2 की उड़ान इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 10 की 1, 3 × 6 और 1 × 7, 7 × 14, तो ये उत्तीर्ण अंक। अगर क्वेश्चन में पूछता है, अगर क्वेश्चन में पूछता है पूर्णांक कितने का 200 का, उत्तीर्ण परसेंटेज कितना है 147, अगर उत्तीर्ण अंक पूछेगा तो 147 से, अगर उत्तीर्ण परसेंटेज पूछता है तो 73.5। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक आयत की लंबाई 40 मीटर है,
पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से कराऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक से कराऊंगा। देखो बेसिक क्या, हमारे पास आयत की लंबाई, लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 20 मीटर। चौड़ाई कितनी हमारे पास 20 मीटर। अब उस समय कह रहा है लंबाई और चौड़ाई पर, चौड़ाई में कम से 20% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में वृद्धि कर रहा है 20% की और चौड़ाई में 20% वृद्धि कर रहा है, तो 40 का 20% कितना आएगा 8 आएगा। अगर मैं 8 इसमें जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। अगर 40 में 8 जोड़ देता हूं तो 48 हो जाएगा। और 20 का 20% कितना होगा 4 होगा, इसमें 4 ऐड कर देता हूं तो 24 हो जाएगा। ये तो पहले वाला क्षेत्रफल था और ये अवयव। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत होता है ऐसे, ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है हमारे पास, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। अगर ये L है ये तो L होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। और इसमें संबंध क्या होता है, ये 90 पर होते हैं हमेशा, किस पर होते हैं 90 पर। आयत का परिमाप क्या होता है 2L और 2B। तो हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस के B। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्षेत्रफल कितना था 40 को ना 20 में करूंगा तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 800 हो जाएगा। और अब क्षेत्रफल कितना हो गया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 1152 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ गया, पहले था 800 अब हो गया 1152, कितना बढ़ा 352, कितने पर बढ़ा 800 पर बढ़ा। इसकी मैं गुणा इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 0 से 2 0 बढ़ जाएंगे हमारे पास, 2 0 से 2 0 बढ़ जाएंगी। 8 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 8 4 32 और 8 4 32, तो कितना परसेंट बढ़ेगा क्षेत्रफल 44%। ये हो गया आपका बेसिक। अब उसके बाद देखो ट्रिक देखते हैं हम, ट्रिक है हमारे पास। अगर क्वेश्चन में कहे लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 20 मीटर, इससे कोई मतलब नहीं है, 40 50 60 कितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। बस उस बात को ध्यान रखना ये 20% और 20% लंबाई भी 20% बढ़ा रहा है और चौड़ाई भी 20% बढ़ा रहा है, तो 20% का रेशियो होता है 1/5। पहले लंबाई 5 थी और लंबाई कितनी हो गई हमारे पास 6, क्योंकि बढ़ रही है। ये होती पहले लंबाई 5 थी, 5 का 20% कितना होता है 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब चौड़ाई कह रहा है पहले 5 थी चौड़ाई, अब कितने हो गई 6। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल होता था 25, अब कितना हो गया 36, तो कितना बढ़ा हमारे पास 11 है। और कितने पर बढ़ा 25 पर गुणा 100, 25 से इसको काट के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 44%। ये आपका आंसर, ये है ट्रिक और ये है आपका बेसिक। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।